अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन कढ़ाई बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है बकरे का गोश्त 1 किलो, उसके साथ एक ऑनियंस है, 3 ग्रीन चिली है स्पाइसी वाली, इसके साथ गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट है, टमेटोस लिए हैं मैंने स्लाइस कर लिए हैं। स्पाइस मुझे थोड़े से ही चाहिए, बहुत ज़्यादा मैं स्पाइस नहीं डालती, और सिंपल वाले हैं। सॉल्ट है, क्रश चिली है, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी। इसके अलावा मुझे एक आधा कप ऑलिव ऑयल चाहिए और आधा कप मैं योगर्ट यूज़ करूँगी। आप चाहें तो योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती हैं, तो टमेटोज आप माइनस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें। बॉश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैं आधा कप इसमें ऑयल डालने लगी हूँ कढ़ाई में। आप चाहें तो कढ़ाई यूज़ करें, बहुत अच्छा इसमें कुकिंग होती है। मुझे ज़्यादा पसंद कढ़ाई है, इसलिए मैं कढ़ाई यूज़ करती हूँ। जो मैंने एक ऑनियंस लिया था उसके मैंने स्लाइस कर लिए थे, अभी वो उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर उसके आगे चीज़ें मैं सारी उसमें ऐड करती जाऊँगी। मैं थोड़े से कढ़ाई में ऑनियंस डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा इन सबको ग्रेवी चाहिए, तो थोड़ा सा ऑनियंस मैं डालती हूँ। तो अगर चाहें तो आप ना भी डालें, लेकिन मैं कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याज का इस तरह का कलर हो गया है। अभी मैं इसमें लहसुन और अदरक और ग्रीन चिली की जो पेस्ट बनाई हुई है वो डालूंगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, उसके बाद इसमें मटन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये देखें लहसुन अदरक और ऑनियंस वगैरह का जो भी मसाला है वो अच्छे से ब्राउन हो रहा है, तो अभी मैं इसमें मटन डालूंगी। जो मैंने 1 किलो मटन लिया था उसको मैं इसी तरह इसमें डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बकरे का मीट है, तो इतना साफ सुथरा और ज़रा कोई फैट नहीं है। मैंने अच्छी तरह इसकी स्किन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा फैट थी वो मैंने निकाल दी थी, इसलिए बहुत ही अच्छा है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे इसको फ्राई करते हुए। जो मैंने मसाला ऑनियन लहसुन और अदरक का बनाया था उसी में ही, तो अभी 10 मिनट और इसको अच्छी तरह मैंने भूनना है, उसके बाद इसको आगे क्या करूँ। इसी के साथ मैं इसमें सॉल्ट, क्रश चिली, जो मैंने मसाले लिए हैं ना, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, हल्दी है, ये साथ में मैं डाल दूँगी। चिली मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ रेड वाली, इसलिए रेड वाली चिली कम डालूँगी, लेकिन मैं ग्रीन वाली चिली साथ में डालूँगी क्योंकि मुझे ग्रीन ज़्यादा पसंद है। देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर बना है, तो जब इसमें टमाटर ऐड होंगे तो इससे भी ज़्यादा इसका कलर और खूबसूरत निकलेगा। इसके साथ में ये टमाटर काट के रखे हुए थे ये मैं डालूंगी। अब तकरीबन इसको 10 मिनट और भूनना है, उसके बाद इसके इसमें योगर्ट और बाकी जो भी डालना है वो मैं इसको मैं कवर कर देती हूँ, थोड़ा सा इसका मसाला जो भूत अच्छा से हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कवर किया था तो अभी 5 मिनट्स हो गए, तो देखें कितना मज़े का इसका मसाला और अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 मिनट के बाद आप देखें कितना अच्छा सा इसका हो रहा है, तो अभी मैं इसको ऐसे हिला के इसमें देखती हूँ, तो बाकी मैं इसमें योगर्ट और ग्रीन चिली डालती हूँ। तो ये मैंने तकरीबन आधा कप योगर्ट लिया था, ये भी मैं इसमें डालूंगी। आप टमाटर की जगह भी एक्स्ट्रा योगर्ट डाल सकते हैं, अगर टमाटर आपके पास नहीं है तो टमाटर रहने दें, सिर्फ योगर्ट आप डाल लें, तो उससे भी कढ़ाई का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो मेरे पास दोनों चीज़ थे इसलिए मैंने योगर्ट भी और टमाटर भी डाल दिए। जो ग्रीन चिली मैंने 3 ली थी उसमें से मैं
दो जो है उसके ऐसे स्लाइस करके डाल दूंगी और एक सिर्फ ऊपर डेकोरेशन करने के लिए बाद में डालूंगी जब रेडी हो जाएगा। मैं हमेशा कैंची का इस्तेमाल करती हूँ, आप नाइफ से काटना चाहें तो नाइफ से काट सकते हैं, क्योंकि ये मुझे सबसे आसान लगता है कि आपके हाथों को भी नहीं मिर्ची लगती, ये बहुत स्पाइसी होती हैं तो इसलिए मैं कैंची का इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की ग्रेवी है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा तो मैं इसको कवर करके अबाउट 20 मिनट्स मीडियम हीट पे रखूंगी। इसमें पानी इतना डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर बकरा बहुत सख्त मीट हो तो आप पानी का गिलास डाल दें, अदरवाइज इसकी इसी पानी में इसने अच्छे से गल जाना है। तो अभी मैं इसको कवर करके अबाउट 20 मिनट्स तक ऐसे ही रखूंगी मीडियम हीट पे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितना अच्छा सा, और मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, सिर्फ मीट का जो पानी है वो ही इसमें है। तो अभी इसको 15 मिनट और लगेंगे, इसी तरह आप इसको कवर करके मीडियम हीट पे रखें तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसको मीडियम हीट पे कवर कर दिया था और जितना मीट का पानी था उसी में इसको पकने के लिए रख दिया था। तो अभी आप देखें कितना मज़े का इसका टेस्ट, वो कलर और बना हुआ है। तो ये देखें गल के बिल्कुल, दिस इज़ सॉफ्ट एंड टेंडर है। तो अभी मैं इसको जस्ट 5 मिनट्स थोड़ी सी हाई हीट पे इसको पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी है मटन की। मैं इसको हमेशा ओपन वाले कढ़ाई में बनाती हूँ, कोई प्रेशर कुकर वगैरह में नहीं बनाती, इसलिए तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट टोटल टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही मज़े की और इतना टेंडर और जूसी बना है मीट। आप देखें ये हाथ से तोड़े कितना मज़े का और सॉफ्ट है। अभी मैं सिर्फ इसमें थोड़े से स्लाइस ऑनियंस डालूंगी, क्योंकि मेरे घर में पसंद करते हैं थोड़े से ऑनियंस इसमें डले हों, और ग्रीन चिली है वो डालूंगी, वो सेम मैंने कैंची से काटी थी, छोटे स्लाइसेस किए। मेरे पास धनिया नहीं है घर पर, इसलिए मैं धनिया नहीं डालूंगी, आपके पास अगर धनिया हो तो इसमें धनिया ऊपर से फ्रेश डालें तो वो बहुत खूबसूरत लगता है और मज़े का भी उसका टेस्ट आता है, उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो मेरी कढ़ाई रेडी है, आप देख लें कितना मज़े का इसका कलर है और कितनी मज़े का इसका लुक है। तो आप भी बनाएं और खाएं और मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी।